आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग एक्सेप्शन। सो एन एक्सेप्शन इज अ रन टाइम एरर विच कैन बी हैंडल्ड बाय द प्रोग्रामर। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन एक रन टाइम एरर है जो कि हैंडल की जाती है किसके थ्रू? प्रोग्रामर के थ्रू। नाउ ऑल एक्सेप्शंस आर रिप्रेजेंटेड एज अ क्लास इन पाइथन। तो जितनी भी एक्सेप्शंस हैं उन सभी एक्सेप्शन को पाइथन के अंदर एक क्लास से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन की बात करें तो पहली हमारी है बिल्ट इन एक्सेप्शन, मीन्स कि एक्सेप्शन विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन पाइथन लैंग्वेज द बेस क्लास फॉर ऑल बिल्ट इन एक्सेप्शन इन द बेस एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसी एक्सेप्शन जिसकी डेफिनेशन पहले से पाइथन में डिफाइन है, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे बिल्ट इन एक्सेप्शन। ओके, सेकंड है यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, मींस कि आप प्रोग्रामर कैन क्रिएट हिज ओन एक्सेप्शन कॉल्ड यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। ठीक है, तो हमको डेफिनेशन समझना हो गया कि ऐसी एक्सेप्शन जो प्रोग्रामर अपने नीड के अकॉर्डिंग करता है क्रिएट, वो एक्सेप्शन कहलाती है हमारी यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग ये चेक करें कि जितनी भी बिल्ट इन एक्सेप्शन की क्लासेस हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट की गई हैं पाइथन के अंदर, तो कैसे करेंगे डिफाइन? देखिए आप, सबसे पहले जो हमारी एक्सेप्शन आती है वो होती है बेस एक्सेप्शन, मींस जो पेरेंट क्लास है एक्सेप्शन की वो है हमारी बेस एक्सेप्शन। इसके बाद इसकी जो चाइल्ड है वो कौन सी है? एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन के अंदर दो तरह की दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, पहला स्टैंडर्ड एरर एंड सेकंड वार्निंग। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड एरर में किस तरह की एक्सेप्शन है देखो आप, पहला है अर्थमेटिक एरर, दूसरा असर्शन एरर, थर्ड सिंटेक्स एरर, उसके बाद टाइप एरर, एंड ऑफ फाइल एरर मीन्स EOF एरर, रन टाइम एरर, इम्पोर्ट एरर एंड नेम एरर। तो ये सभी एक्सेप्शन किस में आती है हमारी, या एरर किस में आती है? स्टैंडर्ड एरर में। ओके, नाउ अगर हम लोग वार्निंग की बात करें तो वार्निंग में आता है देखो, पहला डेप्रिसिएशन वार्निंग, बताता है कि ये वाला जो मेथड है, ये वाला कंसेप्ट पाइथन ने क्या कर दिया गया, इसको डेप्रिशिएट कर दिया गया है, आपको इसकी जगह पे कोई नया जो भी इन्होंने ऐड किया है फंक्शनैलिटी ऐड की वो यूज करनी चाहिए। फिर आता है हमारा रन टाइम वार्निंग, फिर उसके बाद हमारा एक इम्पोर्ट वार्निंग। ठीक है, ये सजेस्ट करता है कभी कभार हमको कि आपको इस तरीके से इम्पोर्ट करनी चाहिए फाइल, इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो भी नए अपडेट आते हैं वो सब किस में आते हैं? हमारी वार्निंग में। तो इस तरह के जितने भी एरर हमको आते हैं, ये एरर हम लोगों ने नहीं बनाए होते हैं, किसने बनाए होते हैं? पाइथन ने बनाए होते हैं, और पाइथन ने हर एक एरर को एक क्लास में डिफाइन किया हुआ है, तो इसीलिए कहते हैं इसको हम लोग बिल्ट इन एक्सेप्शन। क्लियर? फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, नीड ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, मीन्स कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके बिना भी तो काम चल ही रहा है हमारा। तो व्हेन एन एक्सेप्शन अकर द प्रोग्राम टर्मिनेट्स सडनली। हमको इतना पता है कि अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाया और वो स्मूथली एग्जीक्यूट कर रहा है, किसी एक पार्टिकुलर कंडीशन पे आके अगर वो उस प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आ जाती है, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जो हम लोग अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाना हमारे साथ, घटना घट जाना कोई, वो एक एक्सेप्शन है जो हम लोगों ने नहीं सोची होती है। ठीक है भाई, जब आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उस समय हमको तो नहीं पता कि किस टाइप की एरर आ सकती है, किस तरह की नहीं आ सकती है। भाई सपोज करो, अभी हम लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया वो हमारे अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट प्रोग्राम है, हमें लगता है कि एरर नहीं आ सकती, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी कंडीशन जरूर बनेगी जहां पे आके हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, वो करप्ट हो जाएगा। ठीक है, एरर आ जाएगी, तो वो एक सिचुएशन कहलाती है हमारी एक्सेप्शन। ठीक है, जैसे मान के चलो कि ये मेरे पास प्रोजेक्टर का रिमोट है, ठीक है, अगर मैं यहां से गिराऊंगा तो टूट जाएगा नहीं, लेकिन अगर टूट गया तो क्या हो जाएगी? एक्सेप्शन। समझो, मतलब ऐसी घटना जो हम लोगों ने नहीं सोची होती है घट जाती है, जैसे जीने से एक जीने से गिर कर टांग टूट गई, तो पॉसिबल तो नहीं, लेकिन होता भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता भाई। ठीक है, तो वो सभी कंडीशन क्या आती है हमारी? एक्सेप्शन। तो सडनली टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम में करप्ट द प्रोग्राम,
भाई पता है आपको कि आपका प्रोग्राम चल रहा है और किसी कंडीशन पे आके अगर वो टर्मिनेट हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। थर्ड पॉइंट, एक्सेप्शन में कॉज डेटा लॉस फ्रॉम द डेटाबेस और अ फाइल। हो सकता है कि उस एक्सेप्शन की वजह से आपका डेटाबेस लॉस हो जाए, डेटाबेस करप्ट हो जाए, है ना, फाइल करप्ट हो जाए आपकी। इसके बाद अगर हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करें, हैंडलिंग क्या है, देखो हैंडलिंग का मतलब होता है कि अगर कोई एरर आया तो उसको किस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे। मतलब हम चाहते हैं कि अगर इस तरह की कोई एरर आए तो हमारे प्रोग्राम टर्मिनेट होने की बजाय आप ये वाला मैसेज प्रिंट करा दो या ये वाला टास्क परफॉर्म करा दो। वो कंसेप्ट कहलाता है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट, ठीक है। तो इसमें यूज करते हैं हम लोग पाइथन के अंदर ट्राई ब्लॉक का। ट्राई ब्लॉक कंटेन कोड विच में कॉज एक्सेप्शन, ठीक है। मतलब कि ट्राई वाला जो पार्ट होता है ये उस कोड को या उस स्टेटमेंट को अपने पास रखता है जिसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। समझ आ रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि जो भी आपका क्रिटिकल या कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड कोड जो है वो कहाँ लिखोगे, आप ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखोगे। इसके बाद सिंटेक्स इसका बहुत ही सिंपल है। आपको ट्राई लिखना है, लगाना है कॉलन, उसके बाद जो भी आपको अपना कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखना है जिसमें आपको लगता है कि ये इस कोड में एरर आ सकता है, वो हम कहाँ डिफाइन करेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर। फिर आता है हमारा एक्सेप्ट। द एक्सेप्ट ब्लॉक इज यूज टू कैच एन एक्सेप्शन दैट इज रेज्ड इन द ट्राई ब्लॉक। देयर कैन बी मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक फॉर ट्राई ब्लॉक, ठीक है। तो ट्राई ब्लॉक क्या होता है कि अगर, सॉरी, एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होता है कि अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आती है, ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होने की बजाय हम एक्सेप्ट के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होंगी। समझ आ रहा है आपको। इसलिए हम लिखते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक। फिर पाइथन कहती है कि आप एक ट्राई ब्लॉक के लिए मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक लिख सकते हो, ठीक। सिंटेक्स सिंपल है इसका। आपको एक्सेप्ट लिखना है, उसके बाद एक्सेप्शन क्लास का नाम लिखना है, देन कॉलन लगा के आप उसमें स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सिंपल एकदम। चलो फिर आता है इसमें एल्स। दिस ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड व्हेन नो एक्सेप्शन इज रेस्ट, एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर अच्छा ट्राई ब्लॉक। तो एल्स ब्लॉक क्या काम करता है कि अगर आपके प्रोग्राम में किसी भी तरह की एक्सेप्शन रेज नहीं हुई है उस केस में क्या चल जाएगा, हमारा एल्स वाला पार्ट चलेगा। और एल्स ब्लॉक जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है आफ्टर ट्राई ब्लॉक। तो पहले ट्राई ब्लॉक चलेगा आपका, ट्राई ब्लॉक में अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है तो आपका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंटेक्स सिंपल है इसका। एल्स लिखना है, उसके बाद स्टेटमेंट लिखनी है। नाउ इसके बाद आता है फाइनली, दिस ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर इज एन एक्सेप्शन और नॉट। तो फाइनली ब्लॉक जो होता है वो इरिस्पेक्टिव एग्जीक्यूटेड होता है, चाहे आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन हो या फिर एक्सेप्शन ना हो, दोनों केसेस में आपका जो फाइनली ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता ही होता है, ठीक। सिंटेक्स इसका ये बहुत ही सिंपल सा है। आपको फाइनली लिखना है, कॉलन लगाना है, इसके बाद अपनी स्टेटमेंट लिख देनी है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम लोग। जैसे पहले स्टेटमेंट है कि वी कैन राइट सेवरल एक्सेप्ट ब्लॉक फॉर अ सिंगल ट्राई ब्लॉक, है ना। हम हर एक ट्राई ब्लॉक के लिए अपना एक सेवरल क्या लिख सकते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक लिख सकते हैं। वी कैन राइट मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक टू हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन। ये भी हम लोगों ने देखा कि एक ट्राई ब्लॉक के लिए हम लोग मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक को लिख सकते हैं मल्टीपल तरह की एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। थर्ड, वी कैन राइट ट्राई ब्लॉक विदाउट एनी एक्सेप्ट ब्लॉक। ये कहता है कि अगर आप चाहो तो ओनली ट्राई ब्लॉक भी लिख सकते हो बिना किसी एक्सेप्ट, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आपने ट्राई लिखा है तो एक्सेप्ट भी लिखना ही लिखना है, नहीं। अगर आपने ट्राई लिखा है, मन कर रहा है तो एक्सेप्ट लिखो, अदरवाइज ट्राई रहने दो। मतलब मैंडेटरी नहीं है एक्सेप्ट ब्लॉक लिखने का। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा कि फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर इज एन एक्सेप्शन और नॉट, ठीक है। जो फाइनली ब्लॉक है ये हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे उसमें किसी तरह की एक्सेप्शन हो या फिर ना, ठीक है। इसके बाद एल्स ब्लॉक इज ऑप्शनल। आपका मन कर रहा है तो लिख लीजिए, अगर नहीं मन कर रहा है तो नहीं लिखिए। लेकिन आपको पता है कि जो हमारा एल्स ब्लॉक होता है वो ट्राई ब्लॉक के बाद ही एग्जीक्यूट होता है, और जब जब हमारे ट्राई ब्लॉक के अंदर किसी भी तरह की एक्सेप्शन रेज नहीं होती है, मतलब
अगर किसी तरह का एरर नहीं है तब तो आपका एल्स लॉग एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, बट थ्योरिकली पहले समझ लीजिए आप। फिर आता है फाइनली ब्लॉक इज ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, आप चाहो तो इसे नहीं लिख सकते हो, लेकिन फंक्शनलिटी पता लग गई आपको इसकी कि फाइनली ब्लॉक भी आपका हमेशा एग्जीक्यूट होता है, चाहे आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन हो चाहे ना हो। नाउ अब जैसे हम लोग, हमने एक ट्राई ब्लॉक लिखा, इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिखी, स्टेटमेंट लिखी, इसके बाद हमने लगा कि मुझे लगता है कि इसमें ना किसी तरह की एक एक्सेप्शन आ सकती है, एक कंडीशन पे आके एक्सेप्शन आ सकती है, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, एक्सेप्ट एक्सेप्शन क्लास नेम, इसके बाद स्टेटमेंट लिखा हम लोगों ने, देन एल्स लिख दिया, एल्स की स्टेटमेंट। तो आपको पता है कि अगर कोई एरर नहीं है तो क्या चल जाएगा, हमारा एल्स वाला पार्ट चलेगा, अगर इसमें एक्सेप्शन है तो आपका एक्सेप्शन वाला पार्ट चलेगा, तो एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा। ये दोनों चीज दिखाऊंगा करके भी आपको, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और फाइनली तो आपका चलेगा ही चलेगा। सो जैसे ट्राई लिखा हम लोगों ने, फिर एक्सेप्शन लिखा, स्टेटमेंट लिखी, आप चाहो तो सिर्फ ट्राई के साथ एक्सेप्ट लिख सकते हो, आपको जरूर नहीं है एल्स लिखना और फाइनली लिखना। इसके बाद फिर ट्राई लिखा हम लोगों ने, स्टेटमेंट लिखी, एक्सेप्शन क्लास का नेम, स्टेटमेंट, फिर आपने एक्सेप्शन दूसरी क्लास का नेम, फिर स्टेटमेंट। तो एक ट्राई के साथ आप मल्टीपल एक्सेप्ट क्लास का नेम यूज कर सकते हो। फिर फाइनली आप चाहो तो ऐड कर लीजिए, और अगर आपका मन नहीं है तो ट्राई लिखा आप लोगों ने, और इसे लिख के भी आप अपना काम चला सकते हो। मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आप इसके साथ क्या लिखो, फाइनली ब्लॉक लगाओ, समझ आ रहा है आपको ये चीज। इसके बाद एक्सेप्ट क्लास का नेम ना, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, ये मैंडेटरी नहीं लिखना, आपको हटा सकते हो आप इसे। फिर अगर हम लोग एक्सेप्ट की बात करें सिर्फ, सो विद द एक्सेप्शन क्लास नेम, तो अब क्लास का नेम कैसे डिफाइन करोगे भाई, आपको तो नहीं पता ना कि किस तरह का एरर आने वाला है, आपको पता है भाई, नहीं पता आपको एक्सेप्ट, तो आपको क्लास का नाम भी नहीं पता, ठीक है। सो एक्सेप्ट एक्सेप्शन क्लास नेम स्टेटमेंट, एक्सेप्शन एज एन ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट के पास कर सकते हो, कैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्सेप्ट लिखा, एक्सेप्शन क्लास का नाम लिखा, एज ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मल्टीपल एक्सेप्शन विद टपल, आप चाहो तो एक ही एक्सेप्शन के अंदर, मतलब एक ही एक्सेप्ट कीवर्ड के साथ आप मल्टीपल एक्सेप्शन क्लास के नाम पास कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ टपल, टपल की फॉर्म में पास करो। जैसे ये एक्सेप्शन क्लास का नेम 1 दे दिया मैंने, एक्सेप्शन क्लास का नेम 2 दे दिया, एक्सेप्शन क्लास का नेम 3 दे दिया, एंड सो ऑन, जितने भी क्लास के नाम आप देना चाहो वो आप दे सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद कैच एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन, अगर आपको हर तरह किसी भी टाइप के एक्सेप्शन को कैच करना है तो उसके लिए क्या आता है हमारा, एक्सेप्ट लिख के आप सीधे स्टेटमेंट लिख दो। तो अब आपको डिफाइन नहीं करना पड़ा कि किस टाइप का, किसी भी तरह का एरर आए क्या करेगा, जो हमारा एक्सेप्ट कीवर्ड है वो संभाल लेगा, ये कहेगा भाई मैं हूँ, हेल्प कर दूंगा तेरी, ठीक है। चल तो पहले हम लोग इतना प्रैक्टिकल करके देखते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलो तो आ चुके हैं हम लोग अपने वीएस कोड टेक्स्ट एडिटर पे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बनाते हैं चैप्टर नंबर 10, ठीक है। यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम लोग, index.py फाइल, एंड यहाँ पे आके हम लोग एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाते हैं, डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से नंबर लेंगे दो, जैसे मैं नंबर ले लिया यहाँ पे, नंबर इंटीजर टाइप की वैल्यू लेंगे, इनपुट एंटर एनी नंबर, ये फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से हम लोग सेकंड नंबर ले लेते हैं, इंटीजर टाइप का इनपुट, लेकिन हम लोगों ने एंटर एनी, ये फिर ऐसे करेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर, ये सही रहेगा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। इसके बाद अब डिवीजन कराना है आपको, तो कैसे कराओगे, देखो मैं नम वन को डिवाइड करूंगा किससे, नम टू, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग यहाँ पे रेड कर देंगे,
वैल्यू ऑफ नंबर, तो नंबर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारी नंबर। इसी तरीके से कॉपी करते हैं इसको हम लोग, पेस्ट वैल्यू ऑफ नम टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी नम टू एंड इसके बाद रिजल्ट। रिजल्ट मैं यहाँ पे रिजल्ट इसको सेव करते हैं, सेव करने को इसको रन करेंगे चैप्टर नंबर 10। तो यहाँ पर आते हैं सीडी चैप्टर नंबर 10 में मूव करेंगे, सीएलएस पाइथन इंडेक्स डॉट पी वाई और रन करेंगे। तो बोला है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने यहाँ पे कर दिया 10, फिर सेकंड नंबर 3 और देखो आंसर कितना आ रहा है 3.3। प्रॉपर चल रहा है प्रोग्राम, कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट नंबर कर दिया यहाँ पे 0 या फिर मैंने कर दिया यहाँ पे 30 एंड सेकंड नंबर ले लिया मैंने 0, उसके बाद मैंने क्या करा एंटर करा, अरे ये एरर आ गई, मतलब हमारा चलता हुआ प्रोग्राम क्या हो गया, करप्ट हो गया। तो ये कहलाती है हमारी एक्सेप्शन, समझ लो आप। हमने प्रोग्राम बनाया प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था, हमने नहीं सोचा था कि अगर मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह की कैसे करेंगे हैंडल इस तरह के एरर को, देखो एरर का नाम क्या है, जीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय 0। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन क्लास का नाम है और इसे हमें हैंडल करना है। तो कैसे करेंगे हैंडल, सिंपल सा तरीका है कि आपको पता है कि एरर कहाँ पे आ रही है, इस लाइन में आ रही है क्योंकि यहीं पे आप डिवाइड करा रहे हो। ठीक है, देखो बता भी रहा है इस लाइन में एरर आ रही है आपकी, तो जो भी आपका लॉजिकल पार्ट है प्रोग्राम का उसी कहाँ पे डिफाइन करो आप, ट्राई कर, क्या लिखा मैंने ट्राई। ठीक है, और अगर ट्राई में कुछ एरर है तो इसके लिए क्या लिख दो आप, एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट में किस तरह का एरर आ रहा है भाई, तो मैं यहां से एरर को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके एरर का नाम, मतलब क्लास का नाम डिफाइन कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे आके मैं प्रिंट करा दूंगा किसको, एलियास नाम दे दिया मैंने यहाँ पे और मैंने यहाँ पे ई को प्रिंट कर, मतलब मर्जी है कुछ भी, आप सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट डाल दो। जैसे आप नहीं चाहते कुछ भी तो पहले मैं ये दिखाता हूँ, फिर आप जो चाह रहे हो वो भी करने का दिखाना। ठीक है ना, चलो देखते हैं हम लोग इसको, सीएलएस करेंगे इसको रन करेंगे। देखो तो फर्स्ट नंबर 10 हो गया मेरा, सेकंड नंबर 0 हो गया और एंटर किया, तो अभी क्या दिखा रहा है रिजल्ट, मतलब इसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है रिजल्ट, क्योंकि हम ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है और ये लाइन चल रही है, इसको रिजल्ट नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को जो कोड है हमारा ये वाला, मैं किसमें रखूंगा इसको, राइट ट्राई करते हैं। ठीक है ना, सेव करा इसको मैंने, सी एल एस इसको रन करा, 10 0 और एंटर, क्या दिखा रहा है, 0 सो डिवीजन बाय 0, मतलब कहीं हमारा प्रोग्राम तो करप्ट नहीं हुआ, एक मैसेज ही तो आ रहा है प्रॉपर तरीके से, मतलब हम लोगों ने एक्सेप्शन से अपने प्रोग्राम को बचा लिया। इसके अलावा अगर आप किसी, मतलब आप चाहते हो कि मैं अपनी खुद की कोई स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, तो आप क्या करो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख दो कि इस नंबर को, मतलब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करते हैं, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करते हैं, है ना, इस तरीके का मैसेज दिखाना चाहता हूँ। तो चलो करते हैं हम लोग, यहाँ पर आते हैं, सीएलएस लिखा, रन किया, 10 को डिवाइड किया किससे हम लोगों ने, 0 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या मैसेज आएगा, किसी भी नंबर को 0 से डिवीजन डिवाइड नहीं करते, है ना। तो
हमारा प्रोग्राम करप्ट नहीं हुआ, हम लोगों ने उसको बचा लिया किसके थ्रू, एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू बचा लिया। क्लियर, इसे करो फिर मैं और बताता हूँ आपको करने के लिए। फिर मैंने आपको बताया था, चलो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। फिर कॉपी करें, कमेंट कर दिया हम लोगों ने, एंड नीचे आते हैं। ठीक है, अब फिर मैंने आपको बताया था कि हम ट्राई के साथ एल्स ब्लॉक भी ऐड कर सकते हैं। तुम लोग यहाँ पर आते हैं, एंड एल्स में लिखा ELSE, एल्स लिखा प्रिंट फंक्शन के अंदर ट्राई ब्लॉक रन सक्सेसफुल। ठीक है, आपको पता है कि ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं होगा तभी आपका एक्स एल चलेगा। तो पहले हम लोग ना इसको रन करते हैं, CLS करते हैं और प्रॉपर तरीके से रन करते हैं। मैंने 15 को डिवाइड किया 3 से, तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 5। और देखो ट्राई ब्लॉक आपका प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर इसी प्रोग्राम में मैं कुछ एरर ला देता हूँ, मतलब जैसे 15 को डिवाइड करता हूँ किससे, 0 से करेंगे, तो इस केस में आपका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। फिर मैंने आपको इसी में बताया था कौन सा वाला, फाइनली ब्लॉक बताया था, और ये बताया था इसमें मैंने कि ये फाइनली ब्लॉक चाहे आपका एरर हो या फिर ना हो, फाइनली ब्लॉक आपका ऑलवेज एग्जीक्यूट होता ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आई एम फाइनली ब्लॉक, सेव करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले इसको हम लोग चलाएंगे विदाउट एरर, मीन्स 15 को डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से, तो देखो 5 से डिवाइड हुआ तो ट्राई भी चला हमारा साथ के साथ, फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एरर आते हैं प्रोग्राम में, तो मैंने 15 को डिवाइड कर दिया 0 से और एंटर किया, तो देखो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करते हैं, ये मैसेज भी आ रहा है साथ के साथ, फाइनली ब्लॉक जो हम लोगों ने कोड लिखा वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लियर हो रहा है इस चीज आपको, परफेक्ट। इसलिए फिर मैंने आपको एक चीज और बताया था कि जैसे अगर आपको क्लास का नाम नहीं पता है तो उस केस में आप सिर्फ एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज कर सकते हो। सेव किया इसको मैंने, देन यहाँ पर आते हैं हम लोग CLS करते हैं, इसको रन किया मैंने और 10 को डिवाइड कर दिया मैंने 2 से, सॉरी 0 से करेंगे, तब भी आपका क्या चलेगा, देखो वो मैसेज चलेगा। समझ आ रहा है आपको इस तरीके से। इसके बाद फिर मैंने आपको एक तरीका बताया था कि हम एक क्लास के अंदर, मतलब एक एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। समझ आ रहा है कैसे कर सकते हैं, देखो मैं अभी पहले ये कर लो, इसके बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं पहले में, क्योंकि मैं इसी में समझाने वाला हूँ आपको। कॉपी किया इसको मैंने, कमेंट भी कर दिया, थोड़ा सा नीचे आते हैं और इसी कोड को मैंने एज इट इज पेस्ट कर दिया। अब ये एक डिवीजन नंबर है ना, हमने अगर यहाँ पे 2 नंबर लिए, वो आपको पता है कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, उसको हम लोग क्या करा रहे हैं यहाँ पे, डिवाइड करा रहे हैं, और यहाँ पे क्या लगा रखा हम लोगों ने, 0 डिवीजन एरर। ठीक है भाई, इसको रन किया मैंने यहाँ पे, एंड मैंने क्या करा 10 को डिवाइड करा 3 से, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, एक तरह का टाइप एरर है, मतलब हमने इस तरह के एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, तभी तो एरर दे रहा है टाइप एरर। इसको मैंने यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं और जो एक्सेप्शन थी हमारी, मैं यहीं पे आके कॉमा लगाया मैंने यहाँ पे, या कुछ नहीं करना, एक्सेप्शन का नाम दे दिया यहाँ पे, दूसरे एक्सेप्शन का नाम दे दिया किसके अंदर, इसके अंदर, और यहाँ पे एस ए करके एलएफ नाम दे दिया। चलो देखते हैं काम करने का प्रॉपर तरीके से, एंटर ए, इसके बाद बी, तो ये क्या कर रहा है, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ, क्या दिखा रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स
टाइप एस, ठीक है, मतलब आप इसमें स्ट्रिंग तरह की, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू मत एंटर करो, समझ आ रहा है, इस तरीके से। अच्छा दूसरी चीज सी एल एस करते हैं, रन किया तो मैं, जैसे मान के चलो मैंने इसको क्या कर दिया, इंट कर दिया एक तरीके से फिलहाल के लिए यहाँ पे, एंड इसको भी क्या कर दिया मैंने यहाँ पे इंट कर दिया, सेव किया सी एल एस। अरे यार सी एल एस करते हैं, रन किया, 10 को डिवाइड कर दिया उनके से 0 से, अब क्या दे रहा है, बिल्कुल तो दोनों तरह के एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है ये। आप स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हो तो उस केस में वो वहां पे दे रहा है कि वो स्ट्रिंग वैल्यू आप एंटर करा रहे हो, है ना। आप देखो एक एरर और लेकर आता हूं मैं, जैसे मैंने यहाँ पे ना ए पास किया तो यहाँ बोला है वैल्यू एरर, है ना, तो वैल्यू एरर को भी क्या करूंगा मैं, हैंडल कर लूंगा यहाँ पे। यहाँ पर आते हैं, यहाँ लगाया मैंने कॉमा, पेस्ट कर, अगर वैल्यू एरर आती है तब भी आप क्या करो, मैसेज दिखा दो। सीएलएस करते हैं, एंटर करते हैं, ए लिखा, एंट्री क्या क्या दिखा रहा है, बिल्कुल इनवैलिड लिटरल्स फॉर इंट बेस, तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ, हम लोगों ने उस एरर को क्या कर लिया, हैंडल कर लिया कि अगर यूजर नंबर की जगह कोई अल्फाबेट एंटर करता है तो उसको एक मैसेज दिखा दो, भाई तो गलत नंबर डाल रहा है, सही नंबर डाल, समझ आइए आपका। तो ये है हमारा एक्सेप्शन, इस तरीके से हम लोग मल्टीपल तरह के एक्सेप्शन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब एक नया क्वेश्चन आया है कि हमें क्या करना है कि हर एक एरर के लिए अलग अलग मैसेज प्रिंट कराने हैं, ठीक है, अपना खुद का कस्टम मैसेज प्रिंट कराना, कैसे कराएंगे देखो। तो उसके लिए मैंने आपको ना ये बताया था कि एक ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने एरर है हमारे पास, 1 2 3 एरर है, तो मैं यहाँ पे करूंगा एक्सेप्ट, ये दूसरा हो जाएगा हमारा, ये तो 0 डिवीजन एरर हो जाएगा फर्स्ट वाला, दूसरा कर देंगे हम लोग यहाँ पे टाइप एरर, यहाँ पर टाइप एरर डाल देंगे, ठीक है, प्रिंट कर देंगे बिल्कुल कॉमा, टी कर दे रहा हूँ टाइप एरर के लिए, है ना। यहाँ पर, यहाँ पर एक मैसेज डाल दूंगा टाइप एरर, ठीक। इसके बाद जो थर्ड रहेगा हमारा, यहाँ पर मैं एक्सेप्ट लिख देता हूँ, ये रहेगा वैल्यू एरर, एस बी कर दे रहा हूँ, प्रिंट के अंदर मैसेज देके वैल्यू एरर कॉमा लगाया, एन एफ बी को प्रिंट करा, ठीक है। इसके बाद ये जो है ना हमारा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ऐसे में दिखा रहे, ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ ताकि समझ में आ जाए को कौन सा एरर है, 0 डिवीजन कस्टम है ना। तो ती हम लोगों ने तीनों कर लिए हैंडल अलग अलग तरीके से। यहाँ पर आते हैं सी एल एस, आप देखो जैसे मैंने 15 को डिवाइड कर दिया 0 से, क्या दिखा रहा है, 0 डिवीजन कस्टम एरर। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ए एंटर कर दिया तो वैल्यू एरर, ठीक है। इसके बाद फिर जो हम लोगों ने थर्ड था टाइप एरर था वो, बिल्कुल तो टाइप के लिए मुझे क्या एंटर करना पड़ेगा, तो ऐसा करना पड़ेगा टाइप के लिए ना, हम लोग यहाँ पे इनटू को मैं अभी रिमूव कर दे रहा हूँ, है ना, आपको टाइप एरर लाने के लिए यहाँ से मैं रिमूव कर दिया यहाँ से ना, ठीक। और इसको हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको मुझे कट करना पड़ेगा पहले, सीएलएस करते हैं, इसको रन करते हैं, जैसे ए ऐड कर दिया और बी ऐड कर दिया, देखो टाइप एरर, ठीक है। तो हम लोग हर तरह के एरर को अलग अलग तरीके से कोई भी कस्टम मैसेज यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल ये हमारा पूरा कंसेप्ट था बिल्कुल एक्सेप्शन हैंडलिंग का।